वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सुरीली अखियो वाली गाने के लोपी एस्थेटिक बीट सिंग पर सेकिपेक लगाकर एकदम ज़बरदस्त स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। सुना है तेरी नींदों से बहती है नींदे और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा जमीन पे और मिल जा कहीं पे। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो डिक्ली एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, से की पेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मेटल्स लगने वाले हैं, उस सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट से की पेक प्रीसेट और ऑल मेटल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट और से की पेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखिए और ऑल मेटल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा सुरीली अखियो वाली ये वाला गाना है लोपे एस्थेटिक बीट सिंक वाला, और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीटमार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों हमारा जो पहला बीट है वो है 1.55 सेकंड पर, तो दोस्तों हमें कुल 21 हमारे बीट से वो 21 बीट से, इसलिए हमें 21 ही इमेजेस को ऐड करना होगा 21 इमेजेस को। दोस्तों यहाँ पर इमेजेस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले वाले बीट मार्क पर आ जाना है 1.55 सेकंड पर, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड्रॉइड में जाना है, व्यू ऑल में जाकर जिन भी इमेज पर आपको ये वाला स्टेटस क्रिएट करना है उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज खड़े में हम समंथा अक्खियों के इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए एचडी क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मेटल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल एचडी इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से 4K फुल एचडी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आपको सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। इमेज ऐड करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर इनेबल कर देना है। इस वाले बटन पर क्लिक करके डबल टैप करना है। अगर नहीं है अगले वाले बिट मार्क पर नहीं जाएगा तो डबल टैप कर लीजिए और आपको अगले वाले बिट मार्क तक इमेज को एक्सटेंड कर देना है, और जिन भी इमेज की ड्यूरेशन ज़्यादा है उसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करना होगा। दोस्तों मैं सभी इमेज को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों मैंने जो आपको सेकिपेक प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए। सेकिपेक प्रीसेट में दो इमेज है, यानी कि दो इफेक्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं इफेक्ट वन और इफेक्ट टू के नाम से आपको दो इफेक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले इफेक्ट वन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाना है, थ्रोड पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है हमारे बिटमार्क प्रोजेक्ट में। बिटमार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों मैं आपको इमेज का टाइमिंग बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं इमेजेस पर ये वाला पहला इफेक्ट लगा देना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इमेज 1.55 सेकंड वाले उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रोड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 5.09 सेकंड पर जाना है, 5.09 सेकंड वाले इमेज पर भी आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद 8.24 वाली इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है 11.39। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 11.39 ए वाली इमेज, उस पर आपको ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 14.54 ए वाली इस वाली इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद 18.09 सेकंड पर ये देखिए ए वाली, इस पर आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 21.23 सेकंड, यानी कि वहाँ पर आ जाना है। और दोस्तों अब आपको 24.37 ये वाली 24.37 और लास्ट में 27.52 यानी कि 27.52 ये वाली इमेज दोस्तों आप देख सकते हैं, इस पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारे
ए वाला पहला इफेक्ट है वो हमने नो इमेज पर ऐड कर दिया है। तो दोस्तों अब हमें हमारे बचे हुए 12 इमेज पर आपको दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इसके लिए आपको इफेक्ट टू पे क्लिक कर देना है, सॉरी दोस्तों सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और इफेक्ट टू यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेट को ओपन कर लेना है और जो बचे हुए हमारे 12 इमेजेस होंगे दोस्तों इन इमेज नो इमेज को छोड़कर जिस पर हमने सेक इफेक्ट लगाया है पहला वाला इफेक्ट नंबर वन लगा है उनको छोड़कर दोस्तों आपको बची हुई 12 इमेज पर ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट करने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट्स पेस्ट हो जाएंगे। हमारे 21 इमेज है, 21 इमेज में 21 इफेक्ट सॉरी दो इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे बताए हुए टाइमिंग पर आपको जो मैंने बताया वो करने पर। दोस्तों उसके बाद आपको ओवरले इफेक्ट और स्टार्टिंग में इमोजी पेंज को ऐड करना होगा। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एनोड में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको ओवरले इफेक्ट प्रोवाइड किया है तो आपको ओवरले इफेक्ट और इमोजी पेंज दोनों भी ऑल मटेरियल्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले ओवरले इफेक्ट को ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर इनेबल कर देना है। पहले वाले बिट मार्क पर जाकर इसका आइकन एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एनोड में जाना है और मैंने जो आपको इमोजी पेंज प्रोवाइड किया है आप जो भी ऐड करना चाहते हो इस वाले इमोजी पेंज को ऐड कर लीजिए। दोस्तों इमोजी पेंज को ऐड करने के बाद मुंह एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर तीन नंबर वाले रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमोजी पेंज की साइज आपको कम कर देना है, करीब करीब 370 पिक्सल के आसपास रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इमोजी पेंज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है पहले वाले बिट मार्क के आगे वाला उसको कट कर दीजिए। दोस्तों करने के बाद हमारा पूरा स्टेटस यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोगों ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए, दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो तो बन चुका है, अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए राइट साइड में आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना है, वीडियो को एक्सपोर्ट जीरो पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा तो दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद उसको जरूर से सेव कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतर स्टडी एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।